नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं घरेलू हिंसा अधिनियम। हमने पिछले वीडियो, जिसे काफ़ी टाइम हो गया है, उसको जब हमने पढ़ा था उस वीडियो में, तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का ये अधिनियम है, इसमें स्टार्टिंग की धारा 1 से लेकर 3 तक पढ़ लिया था। इसमें हमारे परिभाषाएँ सभी आ चुकी थी, यानी डेफिनेशन क्लॉज आ गया था। अब इसके आगे हमें पढ़ना था, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ जो इतने समय इतना दिन लग गया आगे के वीडियोस डालने के लिए, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, माफ़ी चाहता हूँ। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो घरेलू हिंसा एक्ट 2005, इसकी अगली धारा पढ़ते हैं, धारा 4 सेक्शन 4। सेक्शन 4 बताती है घरेलू हिंसा के अपराध का पता चलने पर इसकी जानकारी का दिया जाना। अर्थात यह धारा बोलती है कि यदि किसी व्यक्ति को यह पता चले कि कहीं उसके नज़दीक या उसके सामने, उसके दृष्टिगत रहते हुए कोई घरेलू हिंसा का कार्य हो चुका है, उसे पता है कि भाई इस घर में मारपीट कुछ भी इस प्रकार का हुआ है किसी महिला के साथ, या तो हो चुका है या मान लीजिए हो रहा है, ठीक, उसके सामने ही कोई ऐसी प्रताड़ना हो रही है, किसी महिला को घरेलू हिंसा से परेशान किया जा रहा है, या मान लीजिए उसको ऐसी परिस्थिति नज़र आ रही है कि रोज़ दिन प्रतिदिन ऐसी संभावना बढ़ती जा रही है और ऐसी घटना बढ़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि संभावना है कि आने वाले कुछ दिनों के भीतर घरेलू हिंसा कारित की जावे, तो वह क्या करेगा? वह इस संबंध में जानकारी किसको देगा? संरक्षण अधिकारी को जानकारी दे देगा। तो किसको देगा? ये संरक्षण अधिकारी, अर्थात इसे बोलेंगे प्रोटेक्शन ऑफिसर, इसको इस बात की जानकारी देगा कि भाई साहब यहाँ पर देखिए घरेलू हिंसा या तो हो चुकी है या हो रही है या होने वाली है, ऐसी संभावना लग रही है। अच्छा, क्वेश्चन ये बनता है कि ये धारा 4 के तहत घरेलू हिंसा के अपराध की जानकारी कौन दे सकता है? तो ये अंडरलाइन कर ले, कोई भी व्यक्ति। ये क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट OT पूछा जाता है ADPO के परीक्षा में और अदर लीगल एग्जाम्स में जिनमें ये सब्जेक्ट पूछा जाता है, उसमें क्वेश्चन जरूर बनता है, उसमें डायरेक्ट आता है कि कौन दे सकता है जानकारी। तो कोई भी व्यक्ति दे सकता है, और किसको दे सकता है? तो संरक्षण अधिकारी या प्रोटेक्शन ऑफिसर को दे सकता है। साथ ही इसमें इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो व्यक्ति जानकारी दे रहा है वह चूँकि सद्भाव में दे रहा है, जिसको कहते हैं इन गुड फेथ, यानी गुड फेथ का मतलब होता है सद्भाव, अच्छे भावना के साथ, तो सद्भाव में जानकारी दे रहा है। इस कारण से वो जो व्यक्ति है जो जानकारी दे रहा है, उस व्यक्ति पर घरेलू हिंसा के अपराध की जानकारी देने के संबंध में कोई केस नहीं लगाया जाएगा, उस पर किसी प्रकार की लायबिलिटी या दायित्व तो नहीं बनेगा, ना तो सिविल प्रकार का केस, ना ही क्रिमिनल प्रकार की लायबिलिटी उस पर बनेगी। ये इम्पॉर्टेंट है। दो चीज़ें कौन सी हैं? कि कोई भी व्यक्ति जानकारी दे सकता है, और दूसरा है जानकारी किसको देगा? संरक्षण अधिकारी को देगा। इसी के साथ तीसरी चीज़ ये है कि उस पर किसी भी प्रकार का दायित्व तो नहीं बनेगा, ना ही सिविल दायित्व, ना ही क्रिमिनल दायित्व। इसके बाद अगले धारा पाँच कर्तव्य के बारे में बताती है। बाद में हम इसको शॉर्ट करके मैं सारांश रूप में आपको बता दूंगा, जिसमें कर्तव्य एक तरफ होंगे, इसमें आपके सरकार के भी कर्तव्य आएंगे, और ये धारा पाँच जो है ये पुलिस के संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य है। तो आगे चल के मैं शॉर्ट नोट आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा। तो अभी देखते हैं ये कर्तव्य जो बात कर रहे हैं, ये किसके कर्तव्य हैं इसमें धारा पाँच में? तो पुलिस के कर्तव्य पहला, दूसरा संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य, सेवा प्रदाता कोई NGO वगैरह कोई है उसके कर्तव्य, और जिस मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत की जाएगी उस मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। तो क्या कर्तव्य? इन चारों में से किसी को भी, चारों इसमें शामिल है, तो इन चारों में से किसी को भी जब घरेलू हिंसा की जानकारी मिलेगी या इनको रिपोर्ट की जाएगी, या मान लीजिए इनमें से कोई सामने उपस्थित है, इनको ये पता चला है कि ऐसी कोई घटना हुई है वहाँ, या होने वाली हो, वहाँ गए इनके सामने ही ऐसी कोई घटना हुई, या मान लीजिए मजिस्ट्रेट है उसको रिपोर्ट की जाती है, पुलिस है उसको रिपोर्ट की जाती है, या कोई संरक्षण अधिकारी जिसे इस बात की सूचना दी जाती है, तो ऐसा होने पर, यानी रिपोर्ट मिलने पर, जानकारी या सूचना मिलने पर, ये चारों जो कैटेगरीज हैं, ये चारों करेंगे क्या? इनका क्या कर्तव्य है? तो ये क्या करेंगे? जो परेशान व्यक्ति, जिसको कि इस कानूनी भाषा में, इस एक्ट में व्यथित व्यक्ति नाम दिया गया है, तो ये चारों लोग उस व्यथित व्यक्ति को, ये जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, ये जानकारियाँ उसको देंगे। कब देंगे? जब इन चारों को इस प्रकार की कोई सूचना या रिपोर्ट वगैरह की जाएगी, इनके संज्ञान में कोई बात आएगी कि ऐसा कोई अपराध हुआ है,
तो वह उस व्यथित व्यक्ति को ये जानकारियाँ देंगे। कौन कौन सी जानकारी देंगे? तो पहला ये जानकारी देंगे कि वो जो व्यथित व्यक्ति है, इस कानून में व्यथित व्यक्ति को के रूप में सिर्फ महिला को ही परिभाषित किया गया है, जो महिला अपनी घरेलू हिंसा में, घरेलू नातेदारी में हिंसा का शिकार हो रही है। तो व्यथित व्यक्ति का अर्थ पूरे एक्ट में महिला से ही लगाएंगे। इस बाबत आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, इसमें जो डेफिनेशन क्लॉज है परिभाषा खंड, उसमें इसका डिटेल दिया है। तो क्या जानकारी देंगे कि व्यथित व्यक्ति जो महिला है, वो धारा 18 से 22 तक में जो सारे आदेश दिए हुए हैं, अनुतोष रिलीफ से संबंधित आदेश हैं, वो किस तरीके से वे सारे आदेश को प्राप्त कर सकती है भाई महिला, इसकी जानकारी ये लोग देंगे कि भाई आप ऐसे ऐसे आवेदन कीजिए, इस प्रकार के आप प्रक्रिया कीजिए, तो आप वो आदेश का फायदा ले सकती है। दूसरा ये जानकारी देंगे कि घरेलू हिंसा हो गई है, तो अब आप कोई एनजीओ या कोई भी सेवा प्रदाता है उसकी, और संरक्षण अधिकारी की सेवाएं ले सकती हैं, आपका अधिकार है। और इस अधिकार की जानकारी ये चारों कैटेगरी के लोग उनको देंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यथित व्यक्ति है, कोई महिला है, परेशान हुई किसी घरेलू हिंसा से, और बाई चांस वो किसी संरक्षण अधिकारी के पास आती है, तो संरक्षण अधिकारी का कर्तव्य क्या होगा कि वह खुद तो उसकी सेवा सहायता करेगा ही, साथ में किसी सेवा प्रदाता के बारे में भी उसे जानकारी देगा कि भाई फलाना सेवा प्रदाता है, इसकी सहायता भी आप ले सकते हैं। और मान लीजिए संरक्षण अधिकारी का नहीं पता कि हमारे यहाँ कौन है, किसी के पास जा नहीं पा रहे, यदि महिला अपराध होने के बाद सबसे पहले किसी सेवा प्रदाता के पास जाती है बाई चांस, तो सेवा प्रदाता एक का है कर्तव्य है कि भाई खुद सहायता करे, साथ ही संरक्षण अधिकारी की सेवा भी उस महिला को दिलवाए, तथा अन्य पुलिस के पास भी ले जाए, उसकी रिपोर्ट करवाए, उसकी शिकायत मजिस्ट्रेट के सामने भी करवाए, आवेदन दर्ज करवाए, ये सारे बताने का काम इन कैटेगरीज का है। इसके अलावा ये क्या बताएंगे, ये यह जानकारी देंगे कि विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट 1987 के अनुसार उसमें जो प्रावधान थे कि व्यथित व्यक्ति जो महिला है, वो उस प्राधिकरण के मार्फत फ्री विधिक सेवा यानी निःशुल्क विधिक सहायता ले सकती है, और ये लेना उसका अधिकार है, फ्री सेवा लेना, फ्री विधिक सेवा। ये विधिक सेवा प्राधिकरण वही है जिसकी द्वारा किए गए नियुक्त जो वकील हैं, वो विचाराधीन कैदियों के केस लड़ते हैं जो कि BPL होते हैं, अर्थात बिलो पावर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे वाले, जो किसी वकील को नियुक्त करने में सक्षम नहीं होते। तो इस वही जो विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसकी मदद ऐसी व्यथित महिला भी ले सकती है। इसके अलावा ये भी जानकारी देंगे कि व्यथित व्यक्ति जो महिला है, भाई घरेलू हिंसा होने पर, घरेलू हिंसा जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं, उसका प्रावधान के तहत शिकायत तो कर ही सकती है, साथ ही साथ इसी घरेलू हिंसा के लिए IPC की धारा 498A के तहत भी परिवाद, अर्थात जिसे बोलते हैं शिकायत भी फाइल कर सकती है, ये उसका अधिकार है। परंतु इसमें एक परंतु लगा है, वह परंतु ये है कि जब किसी पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलेगी, ठीक है, तो संज्ञेय अपराध की जानकारी इस दहेज सॉरी ये घरेलू हिंसा से संबंधित तो अपराध है संज्ञेय अपराध, इसकी जानकारी मिलेगी, तो ये एक्ट पुलिस अधिकारी को अपनी कार्रवाई करने से नहीं रोकेगा। पुलिस अधिकारी तो इस एक्ट के हिसाब से कार्रवाई करेगा, इसके अलावा CRPC में दी हुई जो प्रोसेस है, उसके अनुसार जो DI के संज्ञेय अपराधों में पुलिस क्या क्या कार्रवाई करती है और कर सकती है, वो सारी कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस का रहेगा, भले ही इस एक्ट में लिखा हो अथवा ना लिखा हो। अब आते हैं आगे धारा 6 पर। तो धारा 6 इसमें आश्रय गृह के कर्तव्य बताती है। तो आश्रय गृह के कर्तव्य ये रहेगा कि घरेलू हिंसा से परेशान कोई व्यक्ति है, कोई महिला है, वो या तो खुद किसी आश्रय गृह में जाके आश्रय मांगे, या संरक्षण अधिकारी से कहे कि साहब हमको उसमें आश्रय दिलवाइए क्योंकि मुझे घरेलू हिंसा की गई है, घर से मुझे निकाल दिया गया है, पति ने मुझे मारपीट के बाहर निकाल दिया, या फिर किसी सेवा प्रदाता के मार्फत, कोई NGO के मार्फत जा रही है वो, और भाई आश्रय गृह में आश्रय मांगे, तो इस कंडीशन में आश्रय गृह जो होगा उसका इंचार्ज व्यक्ति जो होगा, भार साधक व्यक्ति, उसका ये कर्तव्य बनता है कि वह उस व्यथित व्यक्ति अर्थात महिला को उस आश्रय गृह में आश्रय प्रदान करे। सेम इसी तरह धारा 7 में दिया है, धारा 7 में चिकित्सा सुविधाओं के कर्तव्य दिए हुए हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ के। इसके अनुसार जैसे धारा 6 में अनुरोध कौन कर रहा था, व्यथित व्यक्ति खुद कर रहा था या संरक्षण अधिकारी के मार्फत या किसी सेवा प्रदाता के मार्फत, तो सेम इसी तरह चिकित्सा सुविधा के लिए भी या तो स्वयं घरेलू हिंसा से व्यथित व्यक्ति अपना अनुरोध करे या संरक्षण अधिकारी के मार्फत
अनुरोध करे या किसी सेवा प्रदाता या एनजीओ के मार्फत अगर वह अनुरोध करता है कि भाई मेरे साथ मारपीट की गई, मुझे चोट ज़्यादा लगी है, जख्म हुए हैं, मुझे चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाइए, तो ऐसा अनुरोध करने पर चिकित्सा सुविधा का जो इंचार्ज व्यक्ति होगा, हॉस्पिटल का जो बाहर साधक व्यक्ति होगा, वह उस व्यथित व्यक्ति जो महिला है उसको चिकित्सा सहायता दिलवाएगा। ये उसका कर्तव्य है। अगला धारा 8। धारा 8 बात करती है संरक्षण अधिकारी जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, इनकी नियुक्ति कि ये नियुक्त कैसे होते हैं, कौन करता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, इनको नियुक्ति कौन करेगी, इनकी राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार इनकी नियुक्ति करेगी और हर ज़िले में करेगी। अब हर ज़िले में कितने कितने संरक्षण अधिकारी होंगे, इस बात का फैसला, इनकी संख्याओं का फैसला भी राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार ये देखेगी कि किसी ज़िले में कितने संरक्षण अधिकारियों की ज़रूरत है, तो जिस ज़िले में जितनी संख्या में ज़रूरत समझेगी राज्य सरकार, उतनी संख्या में वह संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति उस ज़िले में कर सकती है। अच्छा, संरक्षण अधिकारियों के पद पर जहाँ तक संभव हो, जितना पॉसिबल हो, तो इस पद पर महिलाओं को नियुक्त किया जाएगा, यानी इस पद पर नियुक्त करने पुरुषों की बजाय महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, प्रेफरेंस महिलाओं को ज़्यादा मिलेगा। तथा इसके लिए जो अर्हता होगी, अर्थ एलिजिबिलिटी, योग्यता कि आप में क्या क्या होना चाहिए तब आप इस पद के योग्य हैं, तो वह अर्हताएँ, अनुभव तथा सेवा के नियम, निबंधन और शर्तें कि किन नियमों के अंतर्गत आपको काम करना है, सर्विस रूल्स जो हैं, वे सारी चीज़ें निर्धारण राज्य सरकार ही करेगी। अगला धारा 9 की बात करें, तो धारा 9 बात करती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कार्य। अभी बात की थी 8 में कि संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, यानी अब वो नियुक्त हो गए, और नियुक्त होने के बाद वो क्या करेंगे, वो अपने कर्तव्य और कार्य करेंगे। तो कर्तव्य और कार्य क्या क्या करेंगे, इसमें बात करते हैं। तो इस एक्ट के तहत जो मजिस्ट्रेट अनुबंध इसका प्रावधानों का पालन कर रहा है, काम कर रहा है मजिस्ट्रेट अपने कर्तव्य पालन, तो कर्तव्य पालन में मजिस्ट्रेट को सहायता करना, उसको असिस्ट करना संरक्षण अधिकारी का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इसके अलावा घरेलू हिंसा की शिकायत मिलने पर, जब संरक्षण अधिकारी को किसी से घरेलू हिंसा की शिकायत मिलेगी, तो संरक्षण अधिकारी क्या करेगा, उस शिकायत की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को करेगा। ठीक, तथा वो जो रिपोर्ट की है, उस रिपोर्ट की एक कॉपी उस क्षेत्र जिसमें क्षेत्राधिकार में सेवा प्रदाता अर्थात एनजीओ है, और जिस थाने के क्षेत्राधिकार में वह जगह आती है, जिस जगह पे घरेलू हिंसा कार्य हुई है, तो वह उस रिपोर्ट की एक कॉपी उस सेवा प्रदाता को देगा और एक कॉपी उस क्षेत्र के थाने के इंचार्ज को प्रेषित करेगा। अगला, मजिस्ट्रेट को व्यथित व्यक्ति की ओर से आवेदन करना भी संरक्षण अधिकारी का काम है। ठीक, ताकि व्यथित व्यक्ति को क्या हो, इसमें संरक्षण आदेश के तहत अनुतोष प्राप्त हो, अगर वह ऐसी वांछा करता है, कौन, व्यथित व्यक्ति ऐसी वांछा या इच्छा व्यक्त करे कि भाई मुझे अनुतोष प्राप्त करना है, जो बाद में फैसला होगा, लेकिन तब तक के लिए मुझे संरक्षण आदेश प्राप्त करके मुझे अनुतोष या रिलीफ कुछ मिलना चाहिए, यदि वो ऐसी वांछा करे, तो उसकी वांछा पर संरक्षण अधिकारी इस बाबत आवेदन मजिस्ट्रेट को देगा। अगला, व्यथित व्यक्ति जो है उसको विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से जो फ्री विधिक सेवा मिलती है, वह दिलवाने में मदद करना इस संरक्षण अधिकारी का कर्तव्य है और इसका कार्य है। मजिस्ट्रेट के क्षेत्र में जो उसका पूरा क्षेत्राधिकार है, उसमें विधिक सेवा, आश्रय गृह और चिकित्सा सेवा देने वाले जितने भी एनजीओज हैं या जो भी समूह हैं, संगठन हैं, उनकी पूरी लिस्ट तैयार करके रखेगा संरक्षण अधिकारी, तथा व्यथित व्यक्ति जो होगा उसको इन सब की सहायता भी दिलवाएगा, और जिस जिस की सहायता दिलवाएगा उन सारी चीज़ों की रिपोर्ट, जैसे चिकित्सा सेवा की अगर सहायता दिलवाई तो चिकित्सकीय सहायता दिलवाकर उसकी जो रिपोर्ट होगी, वो रिपोर्ट की कॉपी, एक कॉपी मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेगा और साथ ही एक कॉपी उस क्षेत्र के थाने को भेज देगा। इसके अलावा संरक्षण अधिकारी का काम क्या है, काम है धारा 20, इसी एक्ट की धारा 20 में जो धन अनुतोष का जो आदेश है, हम अभी आगे देखेंगे धारा 18 से 22 तक सभी प्रकार के आदेश इसमें दिए हुए हैं। तो धारा 20 में दिया धन अनुतोष आदेश है, जब उस धन अनुतोष आदेश को पारित कर दिया जाता है, आदेश दे देता है मजिस्ट्रेट, अब आदेश देने के बाद उस आदेश का क्रियान्वयन अर्थात पालन होना है, तो उसके पालन की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो उसके पालन की प्रक्रिया CRPC में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार होगी, और
क्या उस आदेश का पालन सीआरपीसी की प्रक्रिया के अनुसार ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना, ये सुनिश्चित करना इस संरक्षण अधिकारी का काम है। इसके अलावा संरक्षण अधिकारी, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ये जरूर बनता है, संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में और मजिस्ट्रेट के ही सुपरविजन अर्थात पर्यवेक्षण के अधीन काम करेगा। अगला धारा 10, धारा 10 बात करती है सेवा प्रदाता के बारे में, सेवा प्रदाता या एनजीओस जिसको हम मोटे तौर पे समझ सकते हैं। तो एनजीओ कौन होगा या सेवा प्रदाता कौन होगा? सेवा प्रदाता कोई भी सोसाइटी, कोई भी संगम, कोई भी कंपनी, कॉरपोरेशन, संगठन, ये सभी सेवा प्रदाता माने जाएंगे। कब माने जाएंगे? जब ये राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करवाएंगे इस बाबत, किस बाबत कि भाई हमारा उद्देश्य है कि विधिक सेवा, चिकित्सा सहायता आदि हम उपलब्ध करवाएंगे ताकि महिलाओं के अधिकारों का और महिलाओं के हितों का संरक्षण हो, इस उद्देश्य के साथ हम अपनी कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं राज्य सरकार के पास। तो रजिस्टर करवाने के बाद वह कंपनी या संगम जो भी संगठन है वह सेवा प्रदाता माना जाएगा इस घरेलू हिंसा एक्ट के तहत। इसका कार्य क्या रहेगा? तो इसका कार्य होगा घरेलू हिंसा की रिपोर्ट लिखना। अगर इसके पास घरेलू हिंसा से संबंधित कोई जानकारी पहले आती तो ये उसकी रिपोर्ट लिखेगा और रिपोर्ट लिखने के बाद उसकी एक कॉपी मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेगा तथा एक कॉपी संरक्षण अधिकारी को भेजेगा कि भाई मेरी जानकारी में ऐसे ऐसे एक अपराध का पता चला है, और साथ ही इसके रिपोर्ट भेजकर उस व्यथित व्यक्ति जो महिला है उसको चिकित्सा सेवा तथा आश्रय गृह भिजवाकर इसकी रिपोर्ट संरक्षण अधिकारी को, पुलिस थाने के इंचार्ज को भेजेगा कि भाई आपके क्षेत्राधिकार में आने वाले फलाने आश्रय गृह में मैंने इसको आश्रय दिलवाया है तथा उस चिकित्सा सेवा या हॉस्पिटल से इसको चिकित्सा सहायता दिलवाई है। अगला धारा 11, सरकार के कर्तव्य। अभी हमने क्या देखे थे? मजिस्ट्रेट, संरक्षण अधिकारी, पुलिस और सेवा प्रदाता के कर्तव्य थे। अब हम देख रहे हैं धारा 11 में सरकार के कर्तव्य। तो यह सरकार से अर्थ क्या है ये पूछ लिया जाता है। सरकार से अर्थ यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों से। तो दोनों प्रकार की सरकार के क्या कर्तव्य हैं? इनके कर्तव्य है कि इस एक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक प्रचार प्रसार करवाए, लोगों के बीच जागरूकता फैलाए तथा पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को इस एक्ट के बेहतर पालन या एग्जीक्यूशन के लिए पर्याप्त ट्रेनिंग दिलवाए तथा इस एक्ट के तहत जहाँ और जितने ज़रूरी हों कि भाई यहाँ कम पड़ रहे हैं कोर्ट, तो वहाँ उतने ज़्यादा कोर्ट तैयार करवाना या स्थापित करवाना भी सरकार के यानी केंद्र और राज्य सरकार के कर्तव्य होंगे। अब आते हैं धारा 12 पर। तो धारा 12 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भी ये बात करती है मजिस्ट्रेट को आवेदन के बारे में। तो मजिस्ट्रेट को आवेदन क्यों किया जाएगा? तो इसका आंसर शुरू में दिया है, एक या ज़्यादा रिलीफ या अनुतोष पाने के लिए किया जा सकता है। आप चाहे तो किसी एक आदेश को पाने के लिए, एक अनुतोष पाने के लिए कि भाई हमें संरक्षण दे दीजिए, साथ ही उसके कोई दूसरा आदेश भी ले सकते हैं कि भाई हमें साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार दीजिए, हमें धन अनुतोष प्रदान करवाइए। तो एक अधिकार भी, एक अंतोष भी पा सकते हैं या एक से ज़्यादा भी पा सकते हैं। इसके लिए आप मजिस्ट्रेट को आवेदन करना पड़ेगा। कौन कर सकता है आवेदन? तो व्यथित व्यक्ति खुद कर सकता है, अर्थात वो महिला खुद आवेदन कर सकती है, या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या अन्य कोई भी व्यक्ति, उसका भाई है, चाचा, मामा, पापा, कोई भी कर सकते हैं उस व्यथित महिला के बिहाफ पर। अब ऐसा आवेदन जब मजिस्ट्रेट को किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा आवेदन मिलने पर? तो मजिस्ट्रेट ये करेगा कि ऐसा आवेदन मिलने पर मजिस्ट्रेट संरक्षण अधिकारी को या सेवा प्रदाता से मिली जो घरेलू हिंसा रिपोर्ट अलग से जो मिली है रिपोर्ट, उस पर भी विचार करेगा। पहले उस रिपोर्ट पर विचार करेगा, फिर उस आवेदन को देखेगा और दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, दोनों को दृष्टिगत रखते हुए इस आवेदन पर कोई आदेश करेगा, ये देखते हुए कि घरेलू हिंसा से संबंधित जो बात कथित रूप से कही जा रही है उसमें सच में कितनी सच्चाई है। इसके बाद घरेलू हिंसा के कारण हुई नुकसानी भी इस अनुतोष में यानी रिलीफ में शामिल होगी, इंक्लूड होगी। इसके अलावा अन्य कोर्ट ने अगर मान लीजिए कोई प्रतिकार या नुकसानी के लिए व्यथित व्यक्ति के पक्ष में कोई डिक्री पारित की है, ठीक, कोई दूसरे कोर्ट में कोई और मामला चल रहा है, डिवोर्स चल रहा है या कोई भी चल रहा है मामला, भरण पोषण वगैरह कुछ भी, तो वहाँ से मान लीजिए किसी अन्य कोर्ट ने इस बात की डिक्री या आदेश पारित किया है कि भाई इस व्यथित व्यक्ति को इतनी इतनी रकम आप दीजिए, और इसी बीच में घरेलू हिंसा होती है, घरेलू हिंसा के तहत एक दूसरे मजिस्ट्रेट कोर्ट में आवेदन लगाया जाता है, और भाई आवेदन के बाद मजिस्ट्रेट जो है अब कुछ रकम दिलवाना चाहता है उसे अनुतोष के रूप में, रिलीफ के रूप में। तो क्या होगा कि यदि किसी दूसरी कोर्ट की तरफ से पैसा उसे किसी और उसमें मिल रहा है
उस डिग्री के तहत, तो वो मिलने वाला पैसा इस जो नए आदेश के तहत मिल रहा है पैसा, उसमें से माइनस कर दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा, जिसको कि कानूनी भाषा में बोलते हैं मुजरा कर दिया जाएगा, या इंग्लिश में बोलते हैं सेट ऑफ कर दिया जाएगा। इसके बाद मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस आवेदन पर रिलीफ दे के उस आवेदन पर सुनवाई की पहली तारीख नियत करेगा। अब वो तारीख कब की होगी कि जिस दिन कोर्ट को आवेदन मिला, मजिस्ट्रेट ने जिस दिन आवेदन प्राप्त किया, उस प्राप्त करने के 3 दिन के अंदर की पहली तारीख वो नियुक्त कर देगा, निर्धारित कर देगा। तथा ये इम्पॉर्टेंट है दोनों पॉइंट्स, ये और ये, कि दिए गए जो आवेदन का निपटारा है वो यथासंभव कोशिश करेगा मजिस्ट्रेट कि वह सुनवाई की जो पहली तारीख निश्चित हुई थी उस तारीख से 60 दिन के भीतर भीतर करने की कोशिश वह मजिस्ट्रेट करेगा। बाउंडेशन है लेकिन स्ट्रिक्टली बाउंडेशन नहीं है। अच्छा, ये 60 दिन जरूर याद रखें, ध्यान रखें, 60 दिन का मतलब यहाँ 2 महीने से नहीं लगाइएगा, 60 दिन मतलब 60 दिन ही गिने जाएंगे, क्योंकि 2 महीने 30 और 30 दिन, 30 और 31 के भी हो सकते हैं, यहाँ सिर्फ 60 दिन से मतलब है इसका। अगले धारा पर आते हैं, धारा 13, सूचना की तामील। तो कौन सी सूचना, पिछली धारा में जो नियत की गई सुनवाई की पहली तारीख जो नियत की है मजिस्ट्रेट ने, वो तारीख की सूचना की बात की गई है। अब वो जो तारीख नियत की कि भाई आज आवेदन मिला है, इसके 2 दिन बाद हम पहली तारीख रखते हैं, इस दिन हम सुनवाई करेंगे, अब इस तारीख के बारे में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस संरक्षण अधिकारी को सूचना देगा कि भाई हमने ये वाली तारीख निश्चित की है सुनवाई के लिए, और फिर संरक्षण अधिकारी इस सूचना के मिलने के 2 दिन के अंदर अंदर इसकी तामील जो है व्यथित व्यक्ति पर कर देगा, और साथ में मजिस्ट्रेट ने मान लो किसी अन्य लोगों पर भी तामील करवाने का निर्देश दिया है कि इस व्यथित के साथ साथ वो फलाने व्यक्ति है उसको भी पार्टी बनाइए, उसको भी बुलवाइए सुनवाई के दौरान, तो संरक्षण अधिकारी उस व्यथित के साथ साथ उस अन्य व्यक्ति पर भी उस सूचना की तामील करवाएगा। अब ये कैसे माना जाएगा कि सूचना की तामील सच में हो गई है, यदि पक्षकार ये कहेगा हम पर तो तामील नहीं हुई है, तो संरक्षण अधिकारी ये घोषणा करेगा, लिखित में देगा अपना, कि हमने जो सूचना की तामील करवाई है वो तामील हो चुकी है। तो संरक्षण अधिकारी का द्वारा की गई ये घोषणा ही इस बात का सबूत मानी जाएगी कि अगर आप कह रहे हैं कि तामील हो चुकी है, मतलब तामील हो चुकी है। अगला धारा 14, धारा 14 बात करते हैं परामर्श के बारे में। परामर्श में क्या होगा कि मजिस्ट्रेट उस व्यथित व्यक्ति या अन्य पक्षकार जो व्यक्ति हैं उनको किसी सेवा प्रदाता के सदस्य से परामर्श लेने का निर्देश दे सकता है कि भाई आप लोगों के बीच में जो भी मसला है, जो भी आपसी वाद विवाद हो रहा है, गलत फहमियाँ हो रही हैं, यदि मजिस्ट्रेट को ऐसी संभावना लग रही है कि कुछ काउंसलिंग करने से इनके बीच का मामला सुलझ सकता है, बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं, तो वह ऐसा निर्देश दे सकता है कि भाई जाइए आप फलाने फलाने सेवा प्रदाता या एनजीओ के जो एक्सपर्ट व्यक्ति है इस प्रकार के परिवार कल्याण से संबंधित परामर्श देने में, उसकी आप सेवा लीजिए, उससे आप परामर्श लीजिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद आपके बीच का मैटर सुलझ जाए। और यदि वो परामर्श का निर्देश देता है तो इस बीच में केस होल्ड पर हो जाएगा, और होल्ड होने पर फिर अब अगली तारीख कब मिलेगी, केस की अगली सुनवाई कब होगी, तो यदि निर्देश परामर्श का हुआ है तब केस की अगली तारीख 2 माह से अनधिक अवधि, यानी ऐसी अवधि जो 2 माह से ज़्यादा लंबी नहीं होगी, जिस दिन सुनवाई हुई है और परामर्श का आदेश दिया है उस परामर्श के आदेश वाले दिन से 2 महीने के अंदर की तारीख देगा, उससे ज़्यादा लेट नहीं करेगा। अगला धारा 15, धारा 15 परिवार कल्याण विशेषज्ञ, कोई जो महिला हो यथासंभव महिला जो कि परिवार कल्याण में विशेषज्ञता रखती हो, उसकी सहायता मजिस्ट्रेट इन कामों के लिए ले सकता है ताकि न्याय के साथ साथ बेहतर परिणाम भी मिले। तथा अगला धारा 16, इसमें धारा 16 में बताया गया है कि कार्रवाइयां बंद कमरे में किया जाना, तो इसमें जरूरी है यदि, तो हमेशा नहीं, यदि जरूरी है। अब कैसे पता लगे कि जरूरी है, तो एक तो कि कार्रवाइयों का जो पक्षकार है, कोई पार्टीज है, दोनों में से कोई भी पार्टी यदि ऐसी वांछा करती है, अपनी इच्छा व्यक्त करती है कि भाई हमारा मामला थोड़ा निजी प्रकार का है, प्राइवेट है, हम थोड़ा सा चाहते हैं कि ये औरों से दूर रखा जाए, सार्वजनिक ना हो, तो इसके लिए उन्होंने वांछा की, ठीक, और साथ ही उनकी वांछा करने के बाद मजिस्ट्रेट को विचार करना होगा। यदि मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि हाँ उनकी वांछा सही है और इस केस की परिस्थितियों के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आवश्यक है कि कार्रवाई बंद कमरे में की जाए, तो मजिस्ट्रेट इस प्रकार की कार्रवाई जो है पूरे बंद कमरे में संचालन उस कार्रवाई का करवा सकता है, ये मजिस्ट्रेट का पावर है। तो आज हमने पढ़े धारा 16 तक के पढ़े, अब इसके बाद हम धारा 17
अगले वीडियो में पढ़ेंगे धारा 17 से लेकर शेष सभी धारा पढ़ेंगे, जिनमें सभी प्रकार के आदेश, सभी प्रकार के अनुतोष, अधिकार और नियम बनाने की शक्ति, ये सभी चीज़ें अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।